हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोग को और एक नए ब्लॉग में। ये लो ब्लॉग में हम लोग दिखाएंगे ईट को हम लोग कैसे अंदर लेके जाते हैं। मतलब ये वाला हमारा गांव का रास्ता है। ये रास्ते से हम लोग अंदर में लगभग 200 मीटर अंदर में एक मतलब हमारा घर बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा अंदर लेके जाना पड़ता है। तो अभी एक ईट डालने के टाइम में एक बिच्छू निकल के आ गया इसलिए हम दोनों भाई बिच्छू से डरते हैं, तो इसलिए लेके मतलब बिच्छू निकाल दिया अभी। तो ये हमारा इसके अंदर में हम लोग अभी अनलोड करते हैं, और मतलब साइकिल से कैसे लाते हैं भी मैं भी दिखाऊंगा आपको, मतलब कैसे लोड करते हैं कैसे लाते हैं। तो अभी तो हम लोग लेके आ गए पहला वाला, जो पहली बार लेके आए सुबह सुबह। तो और एक अभी और एक लोड हो गया है, देखिए कितना, मतलब 50 से 60 पीस तक लोड हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 पीस तक जाता है। तो ये हम लोग लोड कर रहे हैं, अभी तो लोड करना शुरू हो गया है। तो ये सामने वाला जो दिख रहा है हमारा गांव का, ये पोस्ट ऑफिस है। तो और नैना नैना इधर आ गया, नैना आके क्या बोल रहा है। अभी इसको हम लोग मतलब लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब कंधे में लेके जाने में बहुत भारी है, इसी तरह लेने में दिक्कत हो रहा है। ये हमारा दीदी पोस्ट ऑफिस का दीदी है, ये तो अभी 2-3 दिन के अंदर ही चले जाएंगे। ये अभी काम कर रहे हैं इधर, और टुल्लू ही का जाके देख रहा है मतलब किधर बिच्छू निकलेगा तो बोलेगा। और हमारा दोनों का वीडियो भी बनाएगा, ये हमारा कैमरा छोटा कैमरा मैन है हम लोग का, और वीडियो बनाता है, कमेंट्री भी अच्छा करता है। तो अभी तो फिर एक दोबारा फिर से लोड हो गया, इसको हम लेके जाएंगे। ये हमारा गांव का रास्ता है, इसके अंदर से ये अंदर में हमारा घर हो रहा है, तो इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं। अभी मेरा स्कूटी भी इधर खड़ा हुआ है, और इसके अंदर में ये जो चिप्स और बाली इसके अंदर में डाला, ये रास्ता है जो छोटा सा गली दिख रहा है उसके अंदर ही हम लोग डालते हैं, अभी पड़ा हुआ है। और छत के काम के लिए प्लाई भी आ गया है, देख रहे हैं मतलब कैसा लाने में थोड़ा कितना दिक्कत है, इसीलिए हम लोग साइकिल से लेके आते हैं। मेहनत भी कम लगता है और लाने में भी थोड़ा आसानी होता है। और कैमरा मैन बाबू कैमरा पकड़ के खड़ा है, छोटा हमारा कैमरा मैन। अभी साइकिल को बहुत ही भारी है, मतलब एक एक ईटा 4 kg का होगा, तो 50 पीस मिनिमम लाते हैं, तो 50 पीस होता है मतलब 2 क्विंटल के आसपास हो जाएगा। और 70 पीस लाओगे तो 3 क्विंटल के आसपास हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, ये थोड़ा टूटा फूटा ईटा अंदर डाल देते हैं। अभी छत पड़ने के लिए अभी टाइम है, थोड़ा बारिश भी होने वाला है, लघुचाप का बारिश होने वाला है, तो छत पड़ने के लिए भी टाइम है। तो इसलिए अभी घर का अंदर में थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ है अंदर में, और पेड़ फेड़ ये जो पेड़ है ये सब काटना पड़ेगा, क्योंकि ये सामने में हमारा जो पुटी का होता है और पुटी के बनाएंगे ना, इसलिए इसको काटना पड़ेगा। इसलिए ये लास्ट में जो जितना बचा था ईंट बचा था वो ईंट हम लेके आ गए, और थोड़ा जो बचा है आज दिन भर में उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग को मतलब पुटी का बनाने के लिए थोड़ा आसानी होगा। और पुटी का हम लोग का अभी बन मतलब 2-4 दिन के अंदर ही बन जाएगा, क्योंकि इसका अंदर में थोड़ा मिट्टी भी डालना पड़ेगा, तो मिट्टी का जुगाड़ में, तो मिट्टी जुगाड़ हो जाएगा तो काम भी शुरू हो जाएगा। अभी फिर से और एक, अभी तो एक ख़त्म होने वाला है, फिर से जाएंगे अभी और एक लेके जाएंगे, मतलब 1 घंटे में 10 बार लाते हैं तो 500 पीस आ जाता है 1 घंटे में। 500 नहीं, 500 से थोड़ा कम आता है, क्योंकि 10 बार भी नहीं होता है 1 घंटे में, 7 बार होता है ऐसे कुछ। तो जितना भी इधर काम हुआ है मतलब 16-17 हज़ार ईंट लगा है पूरा अभी तक के, सब इस साइकिल से ही हम लोग देख रहे हैं ना, मतलब 200 मीटर के आसपास हो जाएगा जितना लंबाई है लाने में।
क्योंकि अंदर में ट्रैक्टर घुसने के लिए थोड़े दिक्कत है, मतलब ट्रैक्टर थोड़ा नहीं घुस सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको लोग को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो तो नोटिफिकेशन को दबा के बेल आइकन को दबा